तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ये संस्कृति रही है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पूजा अर्चना किया जाता है हमारे अपने इष्ट देवों का। तो चूंकि मशीन हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए जो पूजा पाठ की जाती है तो वो अभी हम लोग ने कर लिया है। अब हम लोग इसका मशीन को इंस्टॉल करने से पहले ये एक चीज़ जानते हैं कि जब आप मशीन खरीदते हो, कोई भी अगरबत्ती की जो ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, जब आप ये खरीदते हो तो इसके साथ आपको क्या क्या एसेसरीज मिलती है, क्या क्या सामान है जो कि मिलती है। हमने यहाँ पे सारी चीज़ें लगा दी हैं जो कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करोगे, ये मशीन का मेन पार्ट होता है, ये जो आप देख रहे हो ये मशीन का मेन पार्ट होता है। इसके नीचे मोटर लगी हुई होती है, गियर बॉक्स वगैरह होता है, सारा सिस्टम यहीं से ऑपरेट होता है, ये मेन पार्ट होता है मशीन का। तो ये आपके साथ रहेगा, यहाँ पे कंट्रोलिंग वगैरह के लिए कुछ दिए हुए हैं। इसके बाद ये अपना फीडर होता है, बम्बू स्टिक यहीं से फीड होके इस मशीन के अंदर जाती है, तो ये फीडर हमें मिल जाता है। इसके साथ ये डलिया बोला जाता है हमारे यहाँ, पता नहीं आपके यहाँ पे इसको क्या बोला जाता होगा, ये मिलती है। इसके बाद ये फीडर को रखने के लिए स्टैंड होती है, ये स्टैंड मिलती है हमें मशीन के साथ। इसके अलावा ये आप देख सकते हो हब है, जो कि एक साइड डाई और एक साइड रॉकेट लगाने का सिस्टम लगा हुआ होता है, इसे हब बोलते हैं हम लोग, ये मिलती है। इसके अलावा ये एक ऑटो कंट्रोल की वॉल्यूम है, आप यहाँ पे जो लगी हुई होती है, ये एक अतिरिक्त दी जाती है अगरबत्ती मेकिंग मशीन के साथ, ठीक है। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं। इसके अलावा ये एक हमें पाना दिया जाता है, आपके यहाँ पे पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, पाना बहुत जगह पे रिंच बोलते हैं इसे, या फिर की भी बोला जाता है बहुत सारी जगहों पे। जैसे हमें ये डाई रॉकेट वगैरह खोलना हो या टाइट करना हो तो उसमें हमें ये यूज में आता है, ठीक है। इसके अलावा हमें ये एक क्लीनर मिलती है इस मशीन के साथ, जो कि आप लोग देख पा रहे हो, ये डाई और रॉकेट को क्लीन करने के लिए यूज में आता है क्लीनर, ठीक है। और इसके साथ है हमारा ये बकेट, जिसमें कि ये मसाला हम लोग डालते हैं, यहाँ पे ये बकेट सेट होता है, वो तो हम लोग आगे देख लेंगे। और मिलता है हमें इसके साथ ये बत्तियों को रखने के लिए, जब बत्ती बन के रेडी होगी इसी के अंदर बत्ती आके गिरेगी, तो दो पीस मिलती है, ये एक अतिरिक्त मिलती है। तो ये मोटा मोटी ओवरव्यू था कि अगरबत्ती मेकिंग मशीन के साथ क्या क्या मिलता है। तो इतनी ही चीज़ें आपको जो अपना पूरा बॉक्स होता है अगरबत्ती मेकिंग मशीन का, उसमें देखने को मिलती है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है, ठीक है, ये अलग से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलो दोस्तों, बिना ज़्यादा टाइम लिए